जिला पुलिस बल 2017-18 परीक्षा के रिजल्ट जारी नहीं होने पर 61,000 विद्यार्थियों बारिश में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे। गौरतलब है कि 11 जून से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है। आपको बता दें कि 2,265 पदों के लिए 3 लाख आवेदन आए थे, जिसमें 61 लाख अभ्यर्थियों ने लिखित एग्जाम और फिजिकल टेस्ट दिए थे, लेकिन 2 साल बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ। परिणाम जारी करने की मांग को लेकर बारिश में भी हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। कड़कती धूप और बरसते बारिश के बीच जिला पुलिस बल के रिजल्ट नहीं आने के कारण यहाँ के जो परीक्षार्थी हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि एक हफ्ते से ज्यादा ये धरना पर बैठे यहाँ कौन कौन पहुँचे हैं और किस तरह से सरकार से प्रतिक्रिया मिली है। क्या मांग है आपकी? हमारी सिर्फ एक ही मांग है सर, जो मेहनत किए हैं उसका परिणाम मिलना चाहिए। हमारे पुलिस जो आरक्षक का भर्ती हुआ था उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ जारी कर दिया जाए, हमारी कोई मांग नहीं। कब का मामला है ये? कब रिजल्ट, कब एग्जाम हुआ था और अब तक रिजल्ट आई है कि नहीं? 2017 का मामला है सर, ये जो है नोटिफिकेशन 2017 में जारी किया गया था और जो है मई जून 2018 में कड़कती धूप में हमने दौड़ लगाई थी, उसके बाद भी जो है रिजल्ट जो है, और 30 सितंबर 2018 को हमने जो है रिटर्न एग्जाम दिया था। आज 10 महीना हो गया, हमारे रिजल्ट का किसी से कोई पता नहीं चल रहा है, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। आप लोग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया 11 तारीख से यहाँ पे प्रदर्शन स्टार्ट किए हैं, अब तक कौन आया है और सरकार की ओर से क्या सुध ली गई है? ना तो सरकार के तरफ से कोई अधिकारी आया है, ना कोई नेता मंत्री, किसी भी प्रकार से कोई भी हमें जो है आश्वासन नहीं दिया गया है। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई, अभी तक तो आप लोग एक हफ्ते से ज्यादा प्रदर्शन में हैं, तो क्या कदम उठाएंगे आगे? हमारा कदम उग्र होगा। मैं बगैर सरकार से ये कहना चाहूंगा, वे आंख मूंद कर न बैठे, अभी भी समय है, जागे, हम लोगों का रिजल्ट चाहिए। भी आपने उन अभ्यर्थियों को सुना जिन्होंने 2017 में एग्जाम दिया, रिटर्न किया, फिजिकल टेस्ट दिया, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया और उनका कहना है अगर उनका मांग नहीं माना गया तो आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। प्रदेश भर में अपनी